आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है और सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भोलेनाथ की विशेष पूजा की जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है। इस दौरान भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। भस्म में विभूत होने के बाद ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की आरती की गई। भस्म आरती के बाद विशेष श्रृंगार हुआ बाबा महाकाल का, और ऐसे में उज्जैन में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा और वार भी सोमवार। भगवान शिव के महीने के साथ साथ के अंदर आज सोमवार का दिन ही है, जो वर्षों के बाद में ऐसा पर्व पड़ा है कि सोमवार के दिन ही श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही श्रावण मास संपन्न होगा। तो आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर प्रातःकाल बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की जा रही है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। भगवान को दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत अभिषेक किया गया है। भगवान को केसर के जल से स्नान कराया गया है। भगवान पर चंदन भांग का श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर हजारों भक्त लोग भस्म आरती से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। देखिए किस तरह से मनमोहक और खास विशेष श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया और ऐसे में काफी भक्त पहुंच रहे हैं। और चूंकि बाबा महाकाल के प्रति, भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में जो श्रद्धालु हैं उनमें गहरी आस्था रहती है, तो लोग दूर दराज से, देश के कोने कोने से आते हैं और ख़ास बात विदेशी मेहमान भी काफ़ी संख्या में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं।